physics art team, Madhumita Mukherjee. I promise a better scoring in your physics. Superposition of waves mein vibrating string ka length of vibrating string. इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग. वो वाला कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2019 का क्वेश्चन है. ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स हैज एम नोट्स, देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी. आपका ऑप्शन है m-1 लैम्डा बाई 2, b is m+1 lambda by 2, c is m lambda by 2 and d is m-2 lambda by 2. क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा लॉजिक से ही हो जाएगा. स्ट्रिंग हैज बोथ एंड्स, string fixed at both ends. Has M nodes. Nodes किसको बोलते हैं? ये जो fixed point है इसको nodes बोलते हैं. ठीक है, nodes. Then the length of the strings. So nodes क्या होता है? Nodes is fixed point. एंड जो फिक्स नहीं है उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एम्पलीट्यूड. जिधर है ऐसे 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 नहीं, ऐसे ड्रॉ मत करो, ऐसे वेव नहीं दिखा सकते, ऐसे ए ए ए ए ए ऐसे है. और इसके नीचे आप ऐसे ड्रॉ. ठीक है, तो नोड्स इज वेयर दीज आर द नोड्स. तो हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन माई ड्रॉइंग? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 नोड्स आर देयर, 6 नोड्स. हाउ मेनी एंटी नोड्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5. 5 एंटी नोड्स. हाउ मेनी लूप्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5. सो 5 लूप्स, 5 एंटी नोड्स एंड 6 नोड्स. ऐसे ही है. तो आपके क्वेश्चन में एम नोड्स है. अगर एम नोड्स आर देयर, वी कैन कंक्लूड m-1 एंटी नोड्स विल बी देयर. जितना नोड्स है उससे एक कम है तुम्हारा एंटी नोड. इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नोड है तो 5 एंटी नोड है एंड 5 लूप है. सो m-1 एंटी नोड एंड m-1 लूप्स. क्लियर? m नोड्स है तो m-1 लूप्स है. देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछा है. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओके, इसमें ये पिक्चर में कितना लैम्डा है? 1 लैम्डा, 2 लैम्डा एंड आधा लैम्डा. सो 2.5 लैम्डा इक्वल टू एल होता है इन माई केस. ठीक है, 2.5 लैम्डा बोले तो 25/10 लैम्डा इक्वल टू एल, मतलब 5/2 लैम्डा. 5/2 लैम्डा इक्वल टू एल, एल इक्वल टू 2L/5. मुझे एल चाहिए, मुझे अल्टीमेटली लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग चाहिए, तो एल इक्वल टू 5/2 लैम्डा आया. 5/2 लैम्डा इक्वल टू एल. 5 क्या है मेरा? 5 इज नंबर ऑफ लूप्स. नंबर ऑफ लूप्स बोलो, नंबर एंटी नोड बोलो, वॉट एवर वे यू कॉल इट, दिस इज द नंबर ऑफ लूप्स. नंबर ऑफ लूप्स इज 5/2. तुम्हारा केस में, इन दिस केस नंबर ऑफ लूप्स क्या? 5-1. तो इन माई केस, इन द क्वेश्चन में तो ये क्या होगा? m-1/2 लैम्डा इक्वल टू एल.
ऑप्शन समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? जितना नंबर ऑफ नोट्स है उससे एक कम होगा नंबर ऑफ एंटी नोट्स, एंड नंबर ऑफ एंटी नोट्स, नंबर ऑफ एंटी नोट्स मीन्स नंबर ऑफ लूप्स। तो इन माय टिपिकल केस 2.5 दिखाई गया, एक दो आधा, 2.5 मेरा टोटल एल होता है। इधर से देखा मैंने 5/2 लैम्डा इक्वल टू एल होता है, सेम लॉजिक लगाया। अगर मेरा पांच लूप है तो 5/2 लैम्डा होता है एल। तो क्वेश्चन में एम नोड है तो m-1/2 लैम्डा यही होगा आपका एल। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, समझ में आ गया? इजी था लेकिन समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। लास्ट 20 इयर्स ऑफ क्वेश्चंस आई हैव एक्सप्लेन्ड लाइक दिस। इफ बेनिफिटेड टू वॉच।